रायपुर के टिकरापारा पुलिस ने भाटा गांव स्थित न्यू बस स्टैंड से दो महिला सहित एक पुरुष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 36 किलोग्राम गांजा कीमत लगभग 2,88,000 रुपए जब्त कर लिया है। साइबर सेल की टीम ने थाना टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत संतोषी नगर मार्केट के पास हाथ में कट्टा रखकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे मोहम्मद सादिक तिलगा उर्फ मोनू तेली को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी कट्टा व 3 नग जिंदा कारतूस जब्त किया है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले अपनी बहन को वीडियो कॉल कर फांसी का फंदा दिखाया था। हालांकि अभी युवक ने किस वजह से फांसी लगाई है इसका पता नहीं चल पाया है। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में लगातार गांजा सप्लाई होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर क्षेत्र के थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने छापामारी करते हुए 400 ग्राम गांजे के साथ एक वृद्ध को गिरफ्तार किया है। कवर्धा जिले के बोडला वृत्त की आबकारी विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश की 24 पेटी शराब जब्त की है। दो आरोपियों अजय सिंह ठाकुर चौबे कॉलोनी रायपुर और टिकेंद्र साहू जैन मंदिर के पास भिलाई निवासी चार पहिया वाहन में शराब की अवैध सप्लाई कर रहे थे। अपने प्रेमी के साथ कंडोर मेला देखने गई युवती मेला ग्राउंड से कुछ दूर तालाब के पास बैठी थी कि चार अज्ञात लड़कों के द्वारा पीड़िता के प्रेमी को डरा धमका कर भगाकर पीड़िता को जबरन उठाकर कुछ दूर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को जसपुर जिले की कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी एओडब्ल्यू की टीम ने रिश्वत लेते पेंड्रा जिले के यातायात प्रभारी विकास नारक और उसके एक साथी भरत पनिका को गिरफ्तार किया है। एसीपी निदेशक आरिफ शेख ने बताया कि सूबेदार की शिकायत बस संचालक ने की थी, उससे 60,000 रुपए की मांग की जा रही थी, नहीं देने पर वह बगैर वजह चलान कर रहा था। अवैध रूप से शराब रखकर बेचने के फिराक में घूम रहे आरोपी को पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से 10,000 रुपए कीमत की 32 पवा शराब जब्त की गई है। बीजापुर सीमा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सीमा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ हथियारबंद नक्सली निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और जेसीबी के तोड़फोड़ के साथ आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल इस वीडियो की जांच करवाने की बात कह रहे हैं। बिलासपुर पुलिस को लूट व चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। सातीर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर चोरी के वाहन पर सवार होकर लूट को अंजाम देते थे। चोरी के सामानों को दूसरे राज्यों में बिक्री करते थे। चोरी का सामान सोने चांदी के आभूषण वाहन एवं डीएसएलआर कैमरा कीमत लगभग 5,00,000 रुपए बरामद की गई है। जीएसटी व एक्साइज की संयुक्त टीम ने सूरजपुर जिले के केरता में संचालित मां महामाया शक्कर कारखाने की फाइलों को खंगाल रही है। जांच के दौरान कारखाने के अधिकारियों के मोबाइल भी बंद करा दिए गए हैं। जांच के दौरान किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। रायगढ़ जिले की कोतरा रोड पुलिस ने घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी युवक को सुरीर से गिरफ्तार करते हुए उसे जेल दाखिल करा दिया। मनेंद्रगढ़ में वृद्धा की अपनी कोई संतान नहीं होने पर जिस भतीजे को घर में उसने अपनी देखभाल के लिए रखा था उसी ने घरेलू विवाद पर जलती हुई लकड़ी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस चौकी कोड़ा ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले की पुलिस ने रतावा लक्की ढाबा के पास बोरई सिहावा मार्ग पर नाकेबंदी कर एक वाहन को हाथ देकर इशारा कर रुकवाने पर वाहन ड्राइवर वाहन से उतरकर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने वाहन से 6,00,000 कीमत का 30 किलो गांजा व 8,00,000 रुपए कीमत की वाहन लावारिस जब्त की है।
कोरबा जिले के ग्राम पंचायत हरदी बाजार में उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर रही नारी स्व सहायता समूह द्वारा पाली गोदाम से पहुंचे खराब व कीड़ा युक्त चावल का विरोध करते हुए वापस करा दिया गया। नारी व सहायता समूह द्वारा ग्राम के राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य की दुकान से चावल, शक्कर, चना, नमक का वितरण किया जाता है। बालो जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम उमरदाहा में आयरन और भरकर आ रहा ट्रक बिजली खंभे को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया और घर से टकराते बचा। कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम कंडेल में बस की ठोकर से सेवानिवृत्त थाना प्रभारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सेवानिवृत्त थाना प्रभारी नारायण सिंह ओट्टी निवासी ग्राम माहूद जो गुरुवार को दोपहर 12 बजे चलामा से माहूद अपनी दोपहिया वाहन से घर जा रहा था। ओडिशा प्रांत सहित महासमुंद राज्य में स्थित 7 मंदिरों व 3 अन्य स्थानों में चोरी की 10 वारदात के एक आरोपी को पुलिस और साइबर सेल की टीम ने खल्लारी चौकी से एक दुकान में चोरी का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया है। चांपा के निर्माणाधीन मकान में जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को चांपा पुलिस ने पकड़ा है। जुआरियों के फर्श से पुलिस ने 1,44,000 रुपए जब्त किए हैं। जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जिले में लगातार जुआरियों का फड़ लग रहा है और अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान कार्रवाई के तहत थाना पुरानी भिलाई, दुर्ग, भिलाई नगर, पुलगांव एवं अमलेश्वर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में मैदान, पार्क, चौक, चौराहों एवं चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने पिलाने वाले कुल 45 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में कार्रवाई की गई। गुरुवार देर रात महासमुंद जिले में झलब बरेकल के पास जबरदस्त एक्सीडेंट में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चारों बाघ बहरा के बसरू डाबरी निवासी हैं। चारों बाइक में सवार थे, पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बैठक हुई। मंत्रालय में करीब 3 घंटे से अधिक चली इस बैठक में सरकार किसानों की 3 मांगों पर सहमत हो गई, लेकिन बाकी पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इससे नाराज किसानों ने सरकार के आंदोलन वापस लेने के आग्रह को ठुकरा दिया है। राजधानी रायपुर के पंडरी में मंडी गेट से लगी बस्ती के 3 मकानों को रेलवे प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। इस बीच रेलवे की कार्रवाई की जानकारी जैसे ही महापौर एजाज ढेबर को हुई, उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का जमकर विरोध किया, जिसके बाद रेल प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदूर के लिए जारी की गई 176 नर्सिंग पदों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। इस भर्ती के खिलाफ जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ ने याचिका लगाई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा कहते हुए पीड़िता को अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर चेपा गांव के जंगल में ले जाकर शारीरिक शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को कोरबा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले की दर्री पुलिस ने प्रार्थी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले 2 नाबालिग बालक एवं 21 वर्षीय शिवा पोर्ते को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की रकम 4600 रुपए को बरामद किया है। रायपुर के खरौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि लगभग 11:30 बजे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षक कुलदीपक वर्मा पर तिगड्डा चौक पर लकड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।